हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। सो आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। आई वेलकम यू ऑल टू द प्रेप बोर्ड। माय नेम इज धीर कपूर एंड आई एम द पार्ट ऑफ द प्रेप बोर्ड टीम। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नई सीरीज, और वो सीरीज है अप्लाइड मैथमेटिक्स टर्म वन के रिविजन की। हम अप्लाइड मैथमेटिक्स टर्म वन को पूरे से रिवाइज करेंगे अपनी सीरीज के अंदर। एंड यहाँ पे हम काफी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, और आपको एग्जाम्स में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस के साथ में हेल्प भी मिलेगी उन क्वेश्चंस को करने से। सो आई स्टार्ट विथ माय पर्टिकुलर लेक्चर। सो चैप्टर्स जो हम इस पर्टिकुलर सीरीज में कवर करेंगे, पहला चैप्टर है नंबर्स। हम यहाँ पे नंबर्स को स्टडी करेंगे कि व्हाट ऑल आर द बाइनरी नंबर्स, फिर डेसिमल नंबर्स हम स्टडी करेंगे, और बाइनरी से डेसिमल नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल से बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हम यहाँ पे लर्न करेंगे, यहाँ पे सीखेंगे। उसके बाद सेकेंड चैप्टर जो हमारा आता है वो है लॉगरिथम और इंडाइसिस। हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे कि व्हाट इज लॉगरिथम, व्हाट इज इंडाइसिस, और लॉग टेबल को कैसे यूज करते हैं, लॉग टेबल को यूज करके लॉग टेबल की मदद से कैसे हम आंसर्स को फाइंड आउट करते हैं, अपने जो भी क्वेश्चंस होती है उसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो यहाँ पे हम लॉगरिथम और इंडाइसिस में उसको पढ़ेंगे। नंबर्स के बाद लॉगरिथम, थर्ड चैप्टर हमारा आ जाता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। सो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी स्कोरिंग पर्टिकुलर टॉपिक। स्कोरिंग है, काफी अच्छे नंबर से आते हैं। क्वेश्चंस का जो लेवल रहता है मीडियम से हमारे पास में इजी रहता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, हम यहाँ पे काफी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम कैलेंडर पढ़ेंगे, क्लॉक पढ़ेंगे, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड स्पीड, जो भी सारे टॉपिक्स हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के हम यहाँ पे पढ़ेंगे, और उनको हम सॉल्यूशन यहाँ पे निकालेंगे। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स हमारा आता है सेट्स एंड रिलेशन। जो सेट्स एंड रिलेशन है हमारा, बेसिकली सेट के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि सेट क्या होते हैं, कितने तरह के हमारे सेट होते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमारे सेट में लगती हैं। आफ्टर दैट व्हाट ऑल जनरल क्वेश्चंस हम सेट्स के लिए एक्सपेक्ट करते हैं वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। उसके बाद में हम रिलेशन स्टडी करेंगे कि सेट से कैसे हम रिलेशन निकालते हैं, और रिलेशन को स्टडी करने के बाद में किस तरह के क्वेश्चन हम रिलेशन में एक्सपेक्ट करेंगे। रिलेशन के बाद स्टूडेंट्स आता है हमारा फंक्शंस। तो यहाँ फंक्शंस में हम स्टडी करेंगे कि फंक्शन हमारे क्या होते हैं, जनरल फंक्शंस के कुछ टाइप्स हम स्टडी करेंगे, और फंक्शन स्टडी करने के बाद में जो नॉर्मल क्वेश्चंस हमारे फंक्शन से रिलेटेड निकलते हैं, जो एग्जाम से पूछे जाते हैं, वो हम स्टडी करेंगे। फंक्शंस के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सीक्वेंस एंड सीरीज। बेसिकली ये भी एक काफी स्कोरिंग चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज, और इसके भी काफी क्वेश्चन एग्जाम्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, और जनरली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो दो मेन पार्ट है सीक्वेंस एंड सीरीज के, वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। इन सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर काफी क्वेश्चन हम इसके भी करने वाले हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, जहां मेनली हम ये डिस्कस करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में कि हमारे पास में अगर कोई पर्टिकुलर डेटा है तो उस पर्टिकुलर डेटा में कितना वेरियंस है, उस पर्टिकुलर डेटा में कितना डेविएशन है, वो हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ेंगे। और काफी सारे मेथड्स होते हैं हमारे पास, काल पियर्सन कोफिशियंट होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, वेरियंस होता है, बॉबल्स कोफिशियंट होता है, काफी सारे मेथड होते हैं जिससे हम वेरियंस अपना चेक करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्या आप लोग तैयार हैं मेरे साथ इस पर्टिकुलर रिविजन सीरीज में जुड़ने के लिए? सो स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ इस सीरीज में अगर जुड़ेंगे और इस सीरीज का अगर आप मेरे साथ पार्ट बनेंगे तो डेफिनेटली आपके एग्जाम्स में इससे हेल्प मिलेगी। एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल माई स्टूडेंट्स कि आप अपने एग्जाम को अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा, सारे क्वेश्चन करिएगा, और मैं जितने आप लोगों की मदद कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ माई प्रेप बोर्ड टीम, हम इस सारे सारे चैप्टर्स को टर्म वन को कवर करेंगे और आपके लिए काफी अच्छा एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन सेट हम लेके आएंगे इसमें। सो आई रिक्वेस्ट ऑल कि आप इस सीरीज को अटेंड करिए, इस पर्टिकुलर हमारा जो रिविजन का चैप्टर है उसको अटेंड करिए, और अपने एग्जाम्स में डेफिनेटली स्टूडेंट्स एक्सेल करिए। टिल देन थैंक यू वेरी मच। ओके।